बुधवार को ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। आपको बता दें कि ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए थे। यह सब उस समय हुआ जब सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और अन्य सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में सदन की कार्यवाही के 14वें दिन दोनों सदनों में कांग्रेसी सांसदों के हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि अब तक 13 दिन चली सदन में लोकसभा और राज्यसभा में 78-78 घंटे की कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा में कुल 33 और राज्यसभा में 26.6 घंटे की कार्यवाही हुई। बाकी समय हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।